दोस्तों तो आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सो आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर सिक्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन तो अभी तक हमने पांच मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं आई होप आपको बहुत पसंद आ रहे हो सो so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है सो so, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सीसा अमल बैटरी में कठोर सल्फेटन दोष को कैसे सुधारा जा सकता है तो बताइए आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन है चेंजिंग विद न्यू इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसिंग विद न्यू इलेक्ट्रोड रिचार्जिंग द बैटरी फॉर ए लॉन्गर पीरियड एट लो करंट रिचार्जिंग द बैटरी फॉर शॉर्ट पीरियड एट हाई करंट तो बताया इसका आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिचार्जिंग द बैटरी फॉर ए लॉन्गर पीरियड एट लो करंट निमन धारा पर लंबी अवधि के लिए बैटरी को रिचार्ज करके ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट ऑफ कॉपर कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है तो बताया इसका आंसर क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीरो पॉइंट थ्री टू नाइन एम जी कुम ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड कंड्यूट पाइप कैसे विशोषित होती है तो आपका ऑप्शन है लंबाई मीटर में दीवार मोटाई mm में आंतरिक व्यास भारी व्यास mm में तो बताइए इसका आंसर क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारी व्यास mm में ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल सीरीज एमसीबी द्वारा किस प्रकार का भार संरक्षित होता है तो आपका ऑप्शन है मोटर गीजर हैंड टूल्स एयर कंडीशनर तो बताइए क्या है ऑप्शन तो नंबर बी गीजर ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लैंप को तीन विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने द्विपथी स्विच प्रयुक्त होते हैं तो आपका ऑप्शन है एक दो तीन चार तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दो स्विच ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ एसी एंड डीसी किस टाइप के रिले को अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में परिचालित किया जा सकता है तो बताइए इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन है फेरेड रिले तापियर रिले आवेग रिले शुष्क रीट रिले तो बताया इसका आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इम्पल्स रिले यानी आवेग रिले ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौ एम्पियर धारा निर्धारित से ऊपर किस प्रकार के परिपथ योजित काम में लेते हैं तो आपका ऑप्शन है एम सी बी ई एल सी बी एम सी सी बी आर सी सी बी तो बताया इसका आंसर क्या है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर कॉपर फ्यूज वायर पर टिन लेपन का क्या उद्देश्य है तो आपका ऑप्शन है उच्च ताप सहन करना संगलन घटक बढ़ाना कॉपर वायर ऑक्सीकरण रोकना यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाना तो बताया इसका आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉपर वायर ऑक्सीकरण रोकना ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष में परिपथ को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिए गए समय के लिए पद क्या है वट इज द टर्म फॉर द टाइम टेकन बाय फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट तो आपके ऑप्शन है टाइम फैक्टर फ्यूजिंग फैक्टर कट ऑफ फैक्टर फ्यूजिंग करंट तो बताया इसका आंसर क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच्छेद घटक या कट ऑफ फैक्टर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट धारा परिपथ वियोजक द्वारा कौन सा संरक्षण प्रदान किया जाता है तो आपके ऑप्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज करंट तो बताया इसका आंसर क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रघात से संरक्षण या प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द रीजन फॉर होम थिएटर वायरिंग नॉट टू रन अलॉन्ग विद पावर वायरिंग होम थिएटर वायरिंग के पावर वायरिंग के साथ नहीं लगाने का क्या कारण है तो आपका ऑप्शन है अवाइड लीकेज करंट इन होम थिएटर वायरिंग कंट्रोल टेम्परेचर इन होम थिएटर वायरिंग अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम रिड्यूस द पावर कंजन इन पावर सप्लाइज तो बताया इसका आंसर क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑडियो वीडियो सिस्टम में व्यक्तिकरण टालना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द एक्सपेंशन ऑफ ई सी सी ई सी सी का विस्तार क्या है तो बताया इसका आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ओके हमारा नेक्स्ट ने क्वेश्चन है के अनुसार एकल कला घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त कॉपर भू अविचित्र चालक का न्यूनतम आकार क्या है तो बताया इसका आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वन पॉइंट फाइव स्क्वेयर मीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू वायरिंग में परिपथ में लैम्प के कम चमकने और मोटर के धीरे चलने का क्या कारण है तो बताया इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी उच्च मान श्रेणी प्रतिरोध दोष नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन किस वायरिंग संस्थापन में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए तो आपका ऑप्शन है सब स्टेशन गोदाम वायरिंग घरेलू वायरिंग साइक वायरिंग तो बताया इसका आंसर क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सब स्टेशन ओके तो आज का हमारा लास्ट है। हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर आई ई रूल आई ई नियम के अनुसार न्यूट्रल कनेक्शन में सनाधि विरूपण कैसे नियंत्रित किया जाता है तो आपका ऑप्शन है प्रतिबाधा के अर्थिंग प्लेट अर्थिंग प्रदान करके चालक आकार बढ़ाकर समांतर अर्थिंग प्रदान करके तो बताया इसका आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थिंग थ्रू इंपिडेंस प्रतिबाधा से अर्थिंग ओके तो ये थे दोस्तों हमारा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो so, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना घरे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया है क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज चलाते रहते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं सो so, आज के लिए दोस्तों इतना ही जय हिंद जय भारत